यहाँ जाने का मौका मिला, शूटिंग से सीधा यहाँ आई हूँ, इसलिए अपने गेटअप में हूँ। सबसे पहले तो मुकेश जी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि उन्होंने ऐसा कुछ शुरू किया है सबसे पहले, क्योंकि स्टेज मेरे लिए बहुत प्रिय रहा है एज अ कथक डांसर, एज एन एक्टर। मुझे लगता है स्टेज एक आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है ज़िंदगी में, और ये आज के दौर में जहाँ टेलीविजन है, फिल्म है, डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, उसमें खिड़कियाँ जैसे फेस्टिवल को प्रमोट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत फ़र्क है टेलीविज़न और स्टेज में, क्योंकि टेलीविज़न में हमें रीटेक का एक मौका मिलता है डायलॉग्स, हालांकि हमें आजकल तो डायलॉग्स 5 मिनट पहले ही दिए जाते हैं, बात तो एक ही है, लेकिन मुझे लगता है स्टेज में ये होता है कि स्पॉन्टेनिटी, डायलॉग्स को याद रखना, उसी वक्त इमोट करना, दैट इज़ अ बिग थिंग। सो फॉर मी, मुझसे अगर पूछो तो आई प्रिफर बीइंग ऑन स्टेज देन ऑन कैमरा, बट या आजकल तो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस फैंस भेजते हैं, तब जाके इस बात का एहसास होता है, अच्छा वो सीन मैंने अच्छा किया था। तो ऑफकोर्स एज अ ह्यूज डिफरेंस, बट मैं ये नहीं कहूँगी, दोनों की अपनी अपनी अलग पहचान है और अलग फील है। सबसे तो फिलहाल दिल के करीब शारदा है जो मैं स्वाभिमान में प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सूरज बजाते जी ने जो ये मुझे और कलर्स में जो ये मौका है, एक फैंटास्टिक ग्राफ है शारदा का। एंड इन टुडेज डे एंड एज वेयर वी आर ट्राइंग टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट, आई कुडन्ट हैव आस्क्ड फॉर मोर।